नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अंकित वाजपेयी एक बार फिर से आपका अपने आर ग्रीन प्लैनेट चैनल पर स्वागत करता हूँ। आगे चलने से पहले प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए हमारा अपना चैनल आर ग्रीन प्लैनेट। तो दोस्तों, आज मैं फिर बात करने वाला हूँ किचन गार्डनिंग से रिलेटेड। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में टमाटर के प्लांट कैसे ग्रो करें, कैसे आप अपने घर में टमाटर उगा सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका, जैसा कि मैं अपने हर वीडियोस में बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ में, गार्डनिंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ही सिंपल से और इजी से स्टेप होते हैं जिससे कि आप ग्रो कर सकते हैं कोई भी प्लांट। तो आज हम बात करेंगे टमाटर के ऊपर। बहुत ही बढ़िया फल है ये, ठीक है। तो ऐसा आप अपने किचन से एक टमाटर लें, ठीक है, और लेने के बाद उससे एक ऐसा सा ऐसा ऐसा एक इस तरीके का, आपको ये दिख रहा होगा वीडियो में, ठीक है, एक ये इस तरीके का एक स्लाइस काट लें, ठीक है। उसके बाद इस स्लाइस को काटने के बाद, इस स्लाइस को काटने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस पॉट में थोड़ा सा गड्ढा करना है और उसमें आपको इस स्लाइस को सीधे ऐसे रख के और मिट्टी से दबा देना है। उसके बाद कुछ 15 से 17 दिनों में आपको ये रिजल्ट मिलता है। ये देखिए, मैंने लिखा भी हुआ है 21/11/2017, यानी कि 21 नवंबर को मैंने ये टमाटर के बीज बोए थे और आज 7 तारीख है, तो लमसम लमसम 17 दिन हो गए और ये 17 दिन का रिजल्ट है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे शीट लगाएंगे और टमाटर के, और कैसे वो ग्रो करेंगे। कहीं पे भी मार्केट में जाकर, किसी भी शॉप से जाके इनके सीड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर में ही टमाटर आता है और वही सीड होते हैं जिनको कि वो सुखाकर आपको देते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने आपको रिजल्ट भी दिखा दिया, क्योंकि किसी बहुतों के दिमाग में होगा कि नहीं, घर वाले टमाटर अगर हम लगाएंगे तो उससे टमाटर के पेड़ ग्रो नहीं करेंगे। तो जनरली मैं अपने हर वीडियो में रिजल्ट भी डालता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये जो मेरे, ये देखिए, इसमें कुछ आपको रूट भी दिख रही होंगी, अभी आ गई हैं ये 17 दिन में सब, ठीक है। अब इसमें से मैं कुछ पेड़ निकाल कर अपने इस पॉट में लगाऊंगा। तो जरा मैं इसका अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। मोबाइल की अनबॉक्सिंग तो आपने सुनी होगी, ये कुछ नया है, प्लांट्स की अनबॉक्सिंग ये। ये देखिए दोस्तों, ये है वो रिजल्ट, सेल्फ वाटरिंग मेथड, हटा दो इसे। ये देखिए, देखिए कितने ढेर सारे पेड़ निकले हैं, ठीक है। तो इसमें से आप 2-3 प्लांट निकाल लीजिए, 3 से 4 प्लांट निकाल कर अपने पॉट में लगा लीजिए। 3 से 4 इसलिए क्योंकि ग्रो होने में और फाइनली डेवलप होने में 1-2 प्लांट जनरली मर जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 4 से 5 प्लांट लगा लीजिए। अगर वो सारे ग्रो कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी ग्रो करते हैं तो एटलीस्ट अगर उन 4 में से 1 प्लांट भी चल गया तो आपका काम हो गया, ठीक है। तो अभी हम इसमें से ये बीच के प्लांट लेंगे, ये क्योंकि मुझे बिल्कुल सीधे सीधे से दिख रहे हैं, ये देखिए पूरे रूट समेत आ गए, ठीक है। 3 प्लांट मैं इधर से ले लेता हूँ एक साइड से, आहिस्ते आहिस्ते करिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करिए। ये देखिए सब कितनी अच्छे से ग्रो किए हैं दोस्तों, 17 दिन का रिजल्ट है। अगर मेरे को रिजल्ट मिल सकता है तो आपको भी रिजल्ट मिल सकता है। कहीं पे भी शॉप पर जाकर कोई सीड लाने की जरूरत नहीं है। जो टमाटर आपके घर पे आप खा रहे हो, अगर आप उसी सीड से वो प्लांट ग्रो करोगे तो उसका रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो अब हम इसको अपने स्पॉट में थोड़ा सा गहरा गड्ढा कर लेंगे। बस ये इंश्योर करिएगा कि आपका पॉट सही हो, उसकी मिट्टी उपजाऊ हो, और पॉट में इसको लगाने से पहले पॉट को पूरा साफ कर लीजिए, उसकी मिट्टी मुलायम होनी चाहिए। उस पर मेरा एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे आप अपने पॉट की मिट्टी तैयार करें, ठीक है। और ये आपने इसके प्लांट लगा दिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालिए और डायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए और इंतजार करिए इसमें बड़े बड़े लाल लाल टमाटर आने का। और जब आ जाएं तो खुद भी खाइए और पूरी फैमिली को भी खिलाइए। और दोस्तों यकीन करिए, इससे ज़्यादा मज़ा किसी चीज़ में नहीं आता। जब आपके लगाए हुए पौधे फल देते हैं या फूल देते हैं, तो उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया और मेरा ये तैयार। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। हमारा अपना चैनल आर ग्रीन प्लैनेट। थैंक यू।